क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. क्या कहता है कि कॉन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल का सम कितना होता है, और कहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी ऐसी क्वाड्रिलेटरल पर होल्ड करती है जो कॉन्वेक्स नहीं है. तो देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. अब जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो सारे एंगल है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की शेप क्यों होगी, ये जैसे इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री. तो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री. क्या है 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. इसको हम मान लेते हैं कि पार्ट नंबर फर्स्ट, यहां तक का आंसर हो गया है अपने पास, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उनके एंगल्स का सम कितना होगा, ये हो गया 360 डिग्री. अब कहता है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, तो इसमें आ जाएगा सेकंड पार्ट में हम कहते हैं यस, कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो नहीं है उसको हम बना लेते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कॉन्वेक्स नहीं है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बना ली हमने जो कॉन्वेक्स नहीं है. अब इसके एंगल का सम भी 360 डिग्री होगा, कैसे, जैसे इसको अगर नाम दे दे ए बी सी और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी, तो इसको डी को और बी को अगर हम जॉइन कर दें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है टू ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गई, ए डी बी और कौन सी होगी, बी डी सी, दो क्वाड्रिलेटरल, दो ट्राइंगल हो गई अपने पास, और एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, अगर दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बन रही है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है. तो कह देंगे यस, ये दिस प्रॉपर्टी होल्ड ऑन दिस क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट कॉन्वेक्स, ये हमने एग्जाम्पल लेके बता दिया. आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर. क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, एग्जिमाइन द टेबल, कि इस टेबल को हमने एग्जिमाइन करना है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इन टू ट्राइंगल्स, प्रत्येक फिगर किस में डिवाइड है, ट्राइंगल्स में डिवाइड है, एंड सम ऑफ एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट, और उसके द्वारा ये एंगल सम बताए गए हैं. ये फिगर है, ये अपने पास क्या है, ट्राइंगल है, इस फिगर को भी, ये क्वाड्रिलेटरल है इसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है, इस फिगर को थ्री ट्राइंगल्स, वन टू थ्री ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है, इस फिगर को वन टू थ्री फोर ट्राइंगल्स में क्या किया गया है, डिवाइड. फिर आगे साइड दे रखी है, इसमें कितनी साइड है, वन टू थ्री, थ्री साइड है, इसमें कितनी साइड है, वन टू थ्री फोर, फोर साइड है, इसमें कितनी साइड है, वन टू थ्री फोर फाइव साइड है, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स साइड है. अब उसके बाद एंगल सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री. अब इसमें कितनी ट्राइंगल्स है, टू, तो इसमें आ जाएगा टू इंटू 180 डिग्री. अब नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें, फोर, तो फोर माइनस टू इंटू 180 डिग्री. इसमें कितनी ट्राइंगल है, थ्री, तो थ्री इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फाइव माइनस टू, नंबर ऑफ साइड कितनी है, फाइव, तो फाइव माइनस टू इंटू 180 डिग्री. इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड सिक्स है, तो इसमें कितना आ जाएगा, सिक्स माइनस टू इंटू 180 डिग्री. कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड सेवन एट टेन एंड एन. ये साइड्स दे रखी है और इन फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने
एंगल सम बताना है कि ऐसे पॉलीगन के एंगल का सम कितना होगा जिसमें सेवन साइड हो, कितनी साइड हो, सेवन साइड हो। तो फर्स्ट लेते हैं हम ए पार्ट, ए पार्ट में कितनी साइड है अपने पास, साइड कितनी है सेवन, कितनी साइड है इसकी सेवन। तो देखो इसमें जो दे रखा है इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है फोर, इसमें कितनी थी फाइव, इसमें कितनी सिक्स, तो सिक्स माइनस टू, फोर माइनस टू, फाइव माइनस टू, मतलब नंबर ऑफ साइड को अगर एन मान ले कि कितनी साइड है तो साइड कितनी है सेवन, और टू माइनस करके और 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या आ जाएगा सम कितना आ जाएगा सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो सेवन में से टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव, फाइव मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो 18 5 90 और ये जीरो पहले ही था तो कितना आ जाएगा 900 डिग्री। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सेवन साइड है उसके एंगल का सम कितना आ जाएगा 900 डिग्री। अब लेते हैं पार्ट बी, बी पार्ट में लेते हैं, बी पार्ट में साइड कितनी है अपने पास एट, बी पार्ट में साइड कितनी है अपने पास एट, तो सम निकालना है एंगल्स का सम कितना होगा, तो एट माइनस टू, एट में से टू माइनस कर देंगे नंबर ऑफ साइड एट है इसमें से टू माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो ये जीरो आ जाएगा और 18 6 कितना होता है 108 और ये जीरो, तो कितना आ जाएगा 1080 डिग्री, कि ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड एट है उसके एंगल का सम कितना आ जाएगा 1080 डिग्री। अब सी पार्ट लेते हैं, सी पार्ट में कितनी साइड है 10, साइड कितनी है अपने पास 10, तो इसमें एंगल्स का सम बताना है, तो सम कितना आ जाएगा इसमें 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 10 में 2 गया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 88 जा 64 6 और 81 जा 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो आ जाएगा 1440 डिग्री, एंगल का क्या आ गया सम आ गया। उसके बाद एन साइड है, क्या है एन साइड है, डी पार्ट में एन साइड है, साइड कितनी है अपने पास एन, साइड कितनी है एन क्या है, तो इसका सम कितना हो जाएगा एंगल्स का सम, सम का मतलब क्या है एंगल्स का सम ही निकाल रहे हैं हम, तो इसमें आ जाएगा एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। एन कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं कि इसमें से टू माइनस हो जाएगा, तो सीधा ही हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, 5 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स, फोर साइड्स एंड सिक्स साइड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, तो उस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। तो हम क्या राइट कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ए पॉलीगन, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, एंड इक्वल एंगल्स, कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो सारे एंगल्स इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब फर्स्ट पार्ट कहता है कि भी ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसमें थ्री साइड्स इक्वल हो, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड इसमें होती है ट्राइंगल में, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो वो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इसमें बना सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमने बना दी, ये इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, ईच मेजर 60 डिग्री, और प्रत्येक जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, और सारी साइड्स क्या होती है
इक्वल होती है, ये होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। सेकंड है इसमें फोर साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स इक्वल हो, ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, तो ऐसा फिगर कौन सा होता है? स्क्वायर। ऐसा फिगर कौन सा होता है? स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। सारी साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल इक्वल होता है, उनकी मेजर कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री। तो ये क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। अब नेक्स्ट है थर्ड में कि सिक्स साइड्स इक्वल हो। किसमें? सिक्स साइड्स इक्वल। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिक्स साइड्स इक्वल। सिक्स साइड्स, तो सिक्स साइड्स किसमें होती है? हेक्सागन में। किसमें होती है? हेक्सागन में। तो इसमें हम हेक्सागन बना सकते हैं जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। ये सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इसका क्या नाम है? हेक्सागन। क्या नाम है? हेक्सागन। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट।